सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों रखी गई खुली बहस पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम में हुई। इस मौके विरोधी धिर का कोई भी आगू नहीं पहुंचा। मान ने खाली कुर्सियों वाल हाथ कर सियासी विरोधियों रगड़े लाए। उन्होंने आख्या कि हुण इन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछलियां सरकारां ते गंभीर दोष लाए ने। मुख्यमंत्री ने एस वाई एल नहर नूं लैके पिछलियां सरकारां नूं लिखियां चिट्ठियां भी कढ लिया। इस दौरान उन्होंने जमीन एक्वायर तो लैके नहर कढ़न लई होईआं कोशिशां बारे विस्थार नाल दस्सिया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भावें राज करन वालियां सत्ता तो बाहर हो गई ने, पर पहली बार इन्होंने किसी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान जैल सिंह के कार्यकाल दौरान पानिया का अनुपात 60 से 40 का सी, पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 50-50 का कर दिया गया। 16 नवंबर 1976 हरियाणा तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का चैक लिया। इतों तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एस वी एल नहर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम किया, पर पानिया के मुद्दे से पहला कदे भी किसी सरकार ने कोई गल नहीं की। मलेरकोटला तो सुनाम महिला चौंक वाल आ रही ट्राले की एक कार नाल टक्कर हो गई। हादसा इन्ना भयानक से कि इस 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारिक मैंबरों का रो रो के बुरा हाल है। जानकारी मुताबिक देर रात सुनाम तो 6 लोग कार में मलेरकोटला बाबा जी के मत्था टेकन गए सन। जदों सुनाम वापस आ रहे सन तो राज ट्राले नाल उन्होंने कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिस कारण वड्डा हादसा वापर गया। गाजा के विस्तारित जमीनी हमले के हिस्से के रूप में इजराइल डिफेंस फोर्सिस गिफ्ती पैदल फौज ब्रिगेड ने पश्चिमी जुबालिया हमला करके लगभग 50 अतवादियों को मार दिया है। इजरायली फोर्सा ने सुरंग सॉफ्ट हथियार से फौजी उपकरणों का पता लाया तो उन्होंने नष्ट कर दिया है। गाजा से जारी जंग में मारे गए इजरायली फौजियों ने भारतीय मूल के 20 साल फौजी भी शामिल है। गाजा च हमास संचालित सरकार का कहना है कि इजरायल ने गाजा शहर नेड़े एक शरणार्थी कैंप में रिहायशी इमारतों को हवाई हमलों का निशाना बनाया, जिस नाल कई लोग मारे गए। इजरायली सुरक्षा बलों वालों गाजा शरणार्थी कैंपा से लगातार हो रहे हमलों दरमियान हमास ने इजरायल च मुड़ वड्डा हमला करने की धमकी दी है। हमास नेता गाजी हमद ने कहा कि वह जल्द ही इजरायल से 7 अक्टूबर वर्गे घातक हमले को अंजाम देगा। इस ही हमास की कासम ब्रिगेड के बुलाने अबू बेदा ने एक वीडियो संदेश जारी करके इजरायल को कब्रिस्तान के दलदल च बदलने का वादा किया। उन्होंने भी आख्या कि हमास विदेशी नागरिकों को रिहा करने तैयार है। गर्म ख्याली गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 25 वड्डी हस्तियां धमकी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ते देश के होर प्रमुख नेतावां ते प्रमुख शख्सियतां इस सूची में शामिल ने। इस साल जून में कनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर अणपछाते हमलावरों वालों गोली मार के मारे गए गर्म ख्याली हरदीप निजर की हत्या तो बाद धमकियां लगातार बढ़ गई हैं। भारत के घट्टो घट 25 लोगों को भेजी गई ईमेल में एस एफ जे मुखी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जानों मारन दी धमकियां दी। अमृतसर तो न्यूज एयरलाइंस वालों इटली के वेरोना शहर लिए बीते दिन तो सीधी उड़ान शुरू की गई। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो वेरोना शहर लिए पहली सीधी उड़ान शुरू हो गई। इस तो पहला देश के किसी भी शहर लिए सीधी उड़ाना नहीं सन, पर हुण इस न्यूज एयरलाइन ने शुरू कर दिया जो हफ्ते में एक बार उड़ान भरेगी। न्यूज कंपनी के भारतीय नुमाइंदे कुलवंत राय कई डायरेक्टर राम कई स्टेशन मैनेजर ने दसिया है कि फिलहाल ये उड़ान हफ्ते में एक बार चलाई जानी है। भविष्य में यात्रियों की मांग को देखते हुए इसकी गिनती में वाधा किया जा सकता है। प्याज कीमतों इकदम वाधे ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी ने। केंद्र से सूबा सरकार वाधिया कीमतों से काबू पाने पूरी वाह ला रही है। प्याज दाधिया कीमतों के मद्देनजर सरकार आम लोगों को सस्ते प्याज वेच रही है। देश के ज्यादातर सूबे में चोणियां थावान से सबसिडी वाली दरों से प्याज वेचा जा रहा है। प्याज महज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वेचा जा रहा है। पंजाब दी मंडियों में 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज वेचा जा रहा है। कोई भी आधार कार्ड दिखा के प्याज ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दे बंगलादेशी हमरुतबा शेख हसीना ने त्रिपुरा के निश्चिंतपुर तो गुआंढी मुल कंगासर तक अहम रेल लिंक समेत 3 प्रोजेक्टों सांझे तौर पर उद्घाटन किया। मोदी ते हसीना वालों वर्चुअल उद्घाटन किए गए 2 होर प्रोजेक्टों च 65 किलोमीटर खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बंगलादेश के रामपाल के मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट शामिल ने। मोदी ने कहा कि अगरतला खौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का उद्घाटन इतिहासिक बात। ग्वालियर के माधोगंज इलाके च रहने वाले 16 साल विद्यार्थी ने घर की 3री मंजिल तो छाल मार दी है। विद्यार्थी को स्कूल तो घर आने देरी हुई, जिस कारण उसकी मां ने उसे झिड़किया। मां की झिड़क तो नाराज विद्यार्थी घर की छत पर पहुंच के उसके परिवारक मैंबर को पता नहीं लगा। उसने छत तो छाल मार दी, घर के पिछले खंडर में झाड़ियों में डिगी, जिस नाल जख्मी हो गई। परिवारक मैंबर ने थाने पहुंच के अगवाह का मामला भी दर्ज करवा दिया। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुरब को समर्पित पिछले दिन कढ़े गए नगर कीर्तन दौरान हिमाचल के वसनीक श्रद्धालु परिवार वालों हैलीकॉप्टर राय श्री दरबार साहब के फुलों की वर्खा कराने की वीडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हुई, जिसमें लैके श्रद्धालुओं के होरों वालों कई तरह के सवाल चुके जा रहे हैं। पर हुण इस मामले सिखी मर्यादा लैके सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हो रही, जिसमें लैके नवा विवाद छिड़िया। फुलों की सेवा करने वाले हिमाचल के परिवारक मैंबर फुलों की वर्खा करते समय नंगे सिर हैलीकॉप्टर में बैठे दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दोष लाया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव तो पहला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है।
राज्यसभा मेंबर ते आप आगू राघव चड्डा ने कहा कि भाजपा विरोधी गठजोड़ इंडिया के छोटे नेताओं 2024 दी चोणां तो पहला गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। केजरीवाल इस कड़ी में गिरफ्तार होने वाले पहले आगू होंगे। आप आगू ने दावा किया कि 2014 तो लेकर हुण तक एजेंसियां ने विरोधी धिर के आगुओं खिलाफ 95% केस दर्ज किए। उन्हें कहा कि इंडिया गठजोड़ के गठन तो बाद भाजपा मुसीबत है। कनेडा छड़न वाले प्रवासियों की गिनती तेजी नाल वाधा दर्ज किया गया। नवे अध्ययन मुताबिक 2016 तो 2019 दरमियान कनेडा छड़न वाले प्रवासियों की गिनती में रिकॉर्ड वाधा होया। इंस्टीट्यूट फॉर कनेडियन सिटीजनशिप और कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनेडा द्वारा करवाए गए अध्ययन यह अंकड़े सामने आए हैं। इसका मतलब है कि 1982 से 2018 के विचकार स्थायी निवास प्राप्त करने वाले प्रवासियों की एक असाधारण तौर पर वड्डी गिनती ने 2016 से 2019 के विचकार देश छड़न को तरजीह दी है। ईडी ने कहा कि उसने कथित बैंक लोन धोखाधड़ी तो जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल उन्होंने परिवारक मैंबरों से लंडन दुबई से भारत में लगभग 538 करोड़ रुपए की जायदादा कुर्क कीतियां जायदादा 17 फ्लैट बंगले से व्यापारिक थान शामिल ने। ईडी ने कहा कि लंडन दुबई से भारत के वख-वख शहरों में स्थित यह संपत्तियां जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड से जेट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड गोयल उसकी पत्नी अनीता से बेटे निवान वर्गिया वख-वख कंपनियों के नाम से। लंबे समय तो जेल में बंद बंदी सिंह भाई बलवंत सिंह राजवाणा की भैन सचखंड श्री दरबार साहब पहुंचे। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान जेल में बंद भाई बलवंत सिंह राजवाणा वालों लिखी चिट्ठी भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह सौंपी गई। भाई बलवंत सिंह राजवाणा की भैन ने कहा कि बलवंत सिंह राजवाणा जेल में 28 साल हो चुके हैं। उन्होंने रिहाई लिए कोई विशेष हिला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नहीं किया जा रहा। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।